अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है हमारे पास? एंटीनेटल केयर होता है कि एक सेशन है, ठीक है, जिसमें एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होता है लाइक गायनोकोलॉजिस्ट होगी, कोई डॉक्टर वगैरह होगी, वो क्या करेगी, जो प्रेग्नेंट वेमेन है, ठीक है, या वो माँ जो अभी मतलब सोच रही है, वो लड़की के उसने बच्चा कंसीव करना है, उनको पहले ही बताएगी कि उनको प्रोवाइड करेगी क्या, गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी उनको, मतलब एहतियाती तदबीर प्रोवाइड करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से उनके बच्चे की ठीक है, और उनकी अपनी सेहत अच्छी रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एंटीनेटल केयर कैन बी डिफाइंड एज द केयर प्रोवाइड बाय स्किल हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रेगनेंट वेमेन, एक प्रेगनेंट वुमन को, ठीक है, एंड एडोलेसेंट गर्ल, वो जो बच्चा कंसीव करना चाहती हो, जो बच्चा कंसीव करने की एज में हो, इन ऑर्डर टू इंश्योर द बेस्ट हेल्थ कंडीशन फॉर बोथ मदर एंड बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर, जो एंटीनेटल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है हमारे पास, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ मदर, जो माँ होगी उसकी सेहत की हमने मेंटेनेंस करनी है, मतलब ख्याल रखना है उसकी सेहत खराब ना हो, ठीक है। प्रमोट फिजिकल मेंटल वेलबींग ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। इंश्योर डिलीवरी ऑफ फुल टर्म बेबी, फुल टर्म मतलब आप आफ्टर 36 वीक के बाद आपने करना है कि बच्चा पैदा हो, ठीक है, उससे पहले बच्चा पैदा ना हो, ये गायनोकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो इंश्योर करे प्रॉपर के मतलब जो बच्चा है वो कब पैदा हो रहा है, ठीक है, उसकी डेट सब कुछ उसने मैनेज करनी होती है, ठीक है, गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह ने, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि कोशिश करे कि वो एक फुल टर्म बेबी, हेल्दी बेबी को मतलब दुनिया में लेके आए, ठीक है, उसकी मतलब जो उसकी डिलीवरी, माँ की डिलीवरी उस टाइम हो, ठीक है, जब वो फुल टर्म हो जाए, ठीक है, बच्चा पूरा मतलब बन जाए, ठीक है, आफ्टर 36 वीक्स, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क केसेस एंड मिनिमाइज रिस्क बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, इसमें अभी भी हो सकता है कि अर्ली मैनेजमेंट आपको मतलब डॉक्टर साहब ने ऐसा करना है कि अर्ली मैनेजमेंट करनी है किसकी, ऑफ हाई रिस्क केसेस, डिटेक्शन करनी है पहले कि मतलब इसको कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ठीक है, बच्चे में कोई एनोमली तो नहीं है, बच्चा मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, ठीक है, बच्चा ठीक है, अगर बच्चा ठीक नहीं है, बच्चा मतलब मतलब कोई इसकी मतलब डिफेक्ट है या एनोमली है, ठीक है, तो उसमें फिर आप पेरेंट्स से परमिशन लेके एबॉर्शन वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हाई रिस्क केसेस हैं लाइक कोई टॉर्चेस इन्फेक्शन है या कुछ और तरह का मामला है जिसमें माँ को भी खतरा हो सकता है, मतलब माँ के मरने का खतरा हो सकता है, या कुछ और चीज़ होती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने उनको अर्ली डिटेक्ट करना है, उनको मिनिमाइज करना है, उनको खत्म करना है। उसके बाद स्क्रीनिंग, आप स्क्रीनिंग करेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर, लाइक आप वो करोगे टॉर्चेस इन्फेक्शन वगैरह करोगे, ठीक है, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट करोगे HBsAg का, उसके बाद HCV का करोगे, ठीक है, विलेज सैंपलिंग वगैरह करोगे, एमनियोटिक फ्लूइड सैंपलिंग करोगे, ये सारी होती हैं जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि मतलब कोई मतलब बीमारी वगैरह तो नहीं आने वाली, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है, ठीक है। डिक्रीज द मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, आपने कम करनी है, डॉक्टर साहब ने कम करनी है क्या, मोर्टेलिटी और मोर्टेलिटी, हम बोलते हैं मौत के जो चांसेस होते हैं, और मोर्बिडिटी होते हैं हमारे पास जो बीमारी के चांसेस होते हैं, किसके, बच्चे के और माँ के, आपने आपने कोशिश करनी कि बच्चा और माँ ना बीमार हो ना मरे, ठीक है। रिमूव द वरीज एंड स्ट्रेस ऑफ मदर रिलेटेड टू प्रोसेस डिलीवरी प्रोसेस, कुछ माएँ होती हैं जिनको मतलब स्ट्रेस हो जाता है या टेंशन हो जाती है, यार फर्स्ट टाइम जिनका बेबी हो, मतलब जो फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव कर रही हो, उनको अक्सर टेंशन होती है, ठीक है, तो उनको डिप्रेशन हो जाता है कि यार अभी मतलब कैसे डिलीवरी होगी, कैसा मतलब मुश्किल प्रोसेस होगा, ठीक है, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रही थी, उनको डर होता है कि बच्चा ना मार जाए, कहीं वो खुद उनकी हालत खराब ना हो जाए, तो आपने ऐसा करना है कि उनको मोटिवेट करना है, ठीक है, उनकी मतलब स्ट्रेस को कम करना है, ठीक है, उनकी परेशानियों को कम करना है, कहना है कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, हर चीज में बेहतरी होती है, ठीक है। प्रोवाइड सेफ डिलीवरी फॉर मदर एंड एजुकेट मदर अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, क्या करना है आपने, प्रोवाइड करना है सेफ डिलीवरी फॉर मदर एंड एजुकेट, ठीक है, आपने माँ को मतलब फुल प्रोसेस ऑफ डिलीवरी बताना है, ठीक है, उसको बताना है कि मतलब आपकी मतलब डिलीवरी
फिजियोलॉजिकल होगी, लाइक उसको मोटिवेट करना है। ये ना हो आप पहले ही उसको डराने लग जाओ कि नहीं, कुछ प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि माँ मर जाती है, कुछ में ऐसा होता है कि बेटा मर जाता है, कुछ में ये होता है, कुछ में वो, पहले ही आप उसको स्ट्रेस देना स्टार्ट हो जाओ। तो एजुकेट मदर अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी होता है, उसके बारे में आपने मदर को बताना है। ठीक है, एडवाइस फैमिली प्लानिंग एंड मोटिव द कपल अबाउट द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, जो आपने मतलब नसीहत करनी है फैमिली प्लानिंग के मुतालिक, ठीक है, और कपल को बताना है, और क्योंकि इसकी एक जरूरत होती है, फैमिली प्लानिंग की एक जरूरत होती है, ठीक है, तब फैमिली प्लानिंग की जाती है। हमें हर मतलब फैमिली प्लानिंग ऐसे नहीं होती, फैमिली प्लानिंग की जरूरत क्यों है, फैमिली प्लानिंग की जरूरत इसलिए है कि हर बच्चे को उसका प्रॉपर हक दिया जाए। ठीक है, एटलीस्ट 3 साल गैप मतलब बीच में दिया जाए। ठीक है, आपने ये उस कपल को बताना है कि एटलीस्ट आपको 3 साल गैप होना चाहिए, जो फर्स्ट बेबी है उसको फुल न्यूट्रिशन उसकी मिले, ठीक है, वो माँ को मतलब दूध वगैरह प्रॉपर पी सके। ठीक है, इस वजह से आपने उसको पूरा मतलब बताना है, ठीक है, कि मतलब फैमिली प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है, प्रिडिक्ट पॉसिबल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर आप मतलब को लग रहा है, आपको लग रहा है, डॉक्टर साहब को लग रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक हाइपरटेंशन हो सकती है, प्रीक्लैम्पसिया हो सकता है, ठीक है, क्लैम्पसिया हो सकता है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या आपने उसकी मतलब पहले ही मतलब अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ढूंढ लेनी है, प्रोवाइड कर लेनी है, मुहैया कर देनी है उसको। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मतलब हाइपरटेंशन हो रही है, या मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये हाइपरटेंसिव होती जा रही है, एक लंपशा प्री लंपशा डेवलप कर सकती है, तो उस केस में आप क्या करो कि माँ को पहले ही वो उसके जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दो। ठीक है, एडवाइस मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, पोस्टनेटल केयर एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन मतलब लाइक आपने जो वैक्सीनेशन वगैरह करवानी होती है मतलब बच्चे की, जब बच्चा पैदा हो जाए उसके मतलब माँ को बताना है, ब्रेस्ट फीडिंग को बताना है, पोस्ट नेटल जो होती है जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके मतलब मतलब उसकी कैसी केयर की जाए उसके मतलब माँ को बताना है। एडवाइस एंड सपोर्ट द वेमेन एंड हर फैमिली फॉर डेवलपिंग हेल्दी एटमोसफेयर एट होम। आपने नसीहत करनी है कि उसको माँ को और उसकी फैमिली को कि आपके घर में एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो। ठीक है, जब बच्चा पैदा हो कैंडल इन्वायरमेंट हो, ये ना कि सारे रोने लग जाएंगे, लड़की पैदा हो तो गुस्सा आ जाए। ठीक है, नहीं जी लड़की में है, लड़की पैदा हुई है तो उसको दफनाना है और उसको मारना है और ये और वो। ठीक है, इस तरह कंडीशन कोई भी नहीं होनी चाहिए, हेल्दी एटमोसफेयर होना चाहिए, सब खुश होना चाहिए सबको। ठीक है, और बच्चे की अच्छी परवरिश करनी चाहिए आप सबको, ठीक है, मिलके। ठीक है, सो आपने एडवाइस करना है सब कुछ, ये एक ऑब्जेक्टिव है सारे, जो मतलब एक डॉक्टर साहब ने जो है काउंसलिंग के दौरान, ठीक है, जब जब वो उसकी मतलब एक प्रेग्नेंट वेमेन आएगी तो आपके पास डॉक्टर साहब के पास, तो आपने ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है, इसमें आपके मतलब सब कुछ बताएंगे यार, इसका शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है, आप उन चीजों पर नजर रखेंगे जो आपकी मतलब बीमारी मतलब पैदा कर सकती है, लाइक मदर के लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बच्चे के लिए, तो उन चीजों पर आप नजर रखनी है। उसके अलावा आप अपने इसकी नशोनुमा पे भी और आफ्टर मतलब बर्थ जो उसकी केयर वगैरह है या इम्यूनाइजेशन वगैरह है उसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डॉक्टर या जो केयर प्रोफेशनल होता है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो उसने करनी होती है। ठीक है, एंटीनेटल विजिट्स एंड चेकअप। एट फर्स्ट यू विल बी गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट फोलिक एसिड एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स। ठीक है, जब मतलब एंटीनेटल विजिट स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको फोलिक एसिड और विटामिन डी के बारे में बताते हैं कि ये आपके लाजमी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आपने लेने हैं। ठीक है, और सम टाइम जो मतलब मदर वगैरह या मतलब कुछ लड़कियां होती हैं जो मतलब डॉक्टर साहब के पास जाती हैं और कहती हैं कि हमने बच्चा कंसीव करना है, ठीक है, तो उनको एडवांस में एक महीना पहले फोलिक एसिड और विटामिन डी सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं कि आप शुरू से ही लेना स्टार्ट कर लें ताकि आपका बच्चा हेल्दी पैदा हो। न्यूट्रिशन डाइट एंड फूड हाइजीन। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाएगा, फूड हाइजीन के बारे में बताया जाएगा, लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आपको एंटीनेटल स्क्रीनिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह जो होते हैं लाइक टॉर्चेस इन्फेक्शन वगैरह हो गया। ठीक है, उसके लिए आपने स्क्रीनिंग वगैरह करना है, उसके अलावा आपने एचबीएस के लिए करना है, एचबीएस एजी, उसके अलावा एंटी एचसीवी करना है, विलेज सैम्पलिंग वगैरह करनी है, लाइक आपने मदर से पूछना है कोई आपको बीमारी तो नहीं है, खानदानी मसला तो कोई नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपने उससे पूछना है कोई अल्कोहल या स्मोकर वगैरह तो नहीं हो आप, इस तरह की चीजें मतलब आपने शुरू में ही मतलब करनी है।
इफ यू हैव स्पेशल नीड्स यू मे नीड मोर एंटीनेटल विजिट्स। ठीक है, अगर अगर आपकी स्पेशल हेल्थ, इफ यू हैव स्पेशल हेल्थ नीड्स, अगर आपकी जो हेल्थ है वो खराब है या मतलब कोई मसला है, तो आप ज्यादा एंटीनेटल विजिट भी कर सकती हैं। इट इज रिकमेंडेड दैट यू विल बुक इन द हॉस्पिटल एज सून एज प्रेगनेंसी कंफर्म्ड बाय डॉक्टर। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी मतलब कंफर्म होती है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो बेहतर है कि आप हॉस्पिटल एक बुक कर लो जिसमें आप मंथली जाया करो। स्टार्ट में मंथली जाना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको वीकली भी जाना पड़ता है एंड में। ठीक है, एंटीनेटल विजिट जो लास्ट होंगे उसमें आपको वीकली पर जाना पड़ेगा, दो वीक्स के बाद, फिर आखिर में एक वीक के बाद आ जाएगा, इस तरह। ठीक है, मोस्ट वेमेन हु चूज टू हैव देयर बेबी इन पब्लिक हॉस्पिटल्स और बर्थ सेंटर हैव देयर फर्स्ट विजिट बिटवीन 10 टू 16 वीक, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू सी द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल एज प्रेगनेंसी कंफर्म। कुछ माएं जो होती हैं, मोस्ट वेमेन कुछ होते हैं, ठीक है, कुछ माएं जो मतलब कंसीव करना चाहती हैं बेबी पब्लिक हॉस्पिटल्स लाइक जो पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं उनमें या बर्थ सेंटर में, तो उनको भी चाहिए कि वो फर्स्ट विजिट अपना कब करें, 10 to 16 वीक में लाजमी करें। ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा कि जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास चले जाएं उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि प्रेग्नेंट वेमेन को नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या इन्फेक्शन चल रहे हैं, या बच्चे की पोजीशन क्या है, या बच्चे में कोई नॉर्मली है, या बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, या उसकी हेल्थ के साथ कोई इशू है, उसको नहीं पता होता। तो इतना बेहतर है, ये अच्छा होगा कि जल्द अज जल्द जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो गई हो, आप डॉक्टर साहिबा के पास चले जाओ। ठीक है, द अर्लियर प्रेगनेंसी इज असेस्ड बेस्ट फॉर मदर एंड बेबी। ये वही बात है कि जितना मतलब जल्दी हो जाए अच्छा होता है मां और बच्चे के लिए। इट इज बेटर टू टेल योर मिडवाइफ और डॉक्टर। ठीक है, ये बेहतर होगा कि आप जो डॉक्टर साहब होती है, मिडवाइफ दाई वगैरह होती है, उसको बताओ कि आप कोई बीमारी वगैरह तो नहीं थी, या कोई आपके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं था। ठीक है, या कोई ऐसी बीमारी ये लाइक जिस वजह से आपका मतलब कोई पिछला मतलब प्रेगनेंसी मतलब खराब हुई है, या बच्चा आपका मर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर का कोई इशू तो नहीं है, लाइक आप कोई मेडिकेशन वगैरह तो नहीं दे रही जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, आप डायबिटिक वगैरह तो नहीं हो, आपने सब कुछ अपनी पूरी हिस्ट्री, ठीक है ना, आपने अपनी पूरी हिस्ट्री एडोलेसेंट से मतलब जब आप मतलब बच्चा पैदा करने की उम्र में हुई हो उस वक्त से लेके अब तक सारी हिस्ट्री डॉक्टर साहिबा को या मिडवाइफ को बताना है। ठीक है, यू विल बी ऑफर्ड सम टेस्ट, आपको कुछ टेस्ट दिए जाएंगे टू चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आपका क्या, चेक मेक श्योर योर हार्ट एंड लंग्स बीपी आर ओके, मतलब आपका हार्ट वगैरह लंग्स वगैरह बीपी आपका ब्लड प्रेशर सब कुछ ठीक है। यूरिन टेस्ट आपको किया जाएगा ताकि आपको किडनी का इश्यू वगैरह तो नहीं, आपको किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, किडनी में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो साइन वगैरह तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपका ब्लड ग्रुपिंग की जाएगी। ठीक है, सपोज माँ का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है और बच्चे का आर एच नेगेटिव है, या सॉरी आर एच नेगेटिव माँ के और आर एच पॉजिटिव बच्चे का है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का हमारे पास चांसेस हो सकते हैं या मतलब डेवलप हो सकता है। ठीक है, इस वजह से आपका ब्लड ग्रुप वगैरह चेक किया जाएगा, एडवांस में फिर ब्लड टेस्ट किया जाएगा, एनीमिया वगैरह तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है बॉडी में आपके। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाएगा आपकी डेट कंफर्म करने के लिए, लाइक जब 22 शुरू में जब आपकी फंडल की हाइट होती है, यूट्रस फंडल हाइट 12 वीक में वो कितनी होती है, वो हमारे पास 12 वीक में हमारे पास होती है प्यूबिक सिम्फिसिस तक। 12वें हफ्ते की जो 12वें हफ्ते में अगर आप करें अल्ट्रासाउंड, या आप 12वें हफ्ते में आप देखें मदर को प्रेग्नेंट वेमेन को, फंडल हाइट होगी उसकी यूट्रस की किधर तक, प्यूबिक सिम्फिसिस तक। ठीक है, उसके 22वें हफ्ते में कहां पे होगी, अम्ब्लाइकस तक, और जो 36वां है उसमें कहां तक होगी, जिफी स्टर्नम तक। ये मतलब ये प्रॉपर मतलब दी हुई है गाइडलाइंस के इस वक्त में इतनी फंडल हाइट होगी। ठीक है, 12वें में इतनी होगी, 22वें में इतनी होगी और 36वें में इतनी होगी। ठीक है, इस तरह अल्ट्रासाउंड कंफर्म डेट एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड जनरल वेलबींग ऑफ फेटस। अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब डेट क्या है। ठीक है, डेट को कंफर्म करने के लिए, उसके अलावा आप जनरल वेलबींग ऑफ फेटस के बच्चे की मतलब बच्चा कैसा है, बच्चे की हालत कैसी है, बच्चे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, कोई नॉर्मली वगैरह तो नहीं है, बच्चे की पोजीशन तो ठीक है। लेटर विजिट फ्रॉम अराउंड 24 वीक्स योर एंटीनेटल अपॉइंटमेंट विल यूजली बिकम मोर फ्रीक्वेंट।
24वें हफ्ते तक आप आहिस्ता, मतलब हर महीने बाद, 2 महीने बाद भी आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन 24वें हफ्ते बाद अगर आप, सपोज अगर आपको कोई मतलब बीमारी है या कोई मसला है, 24वें हफ्ते के बाद आपकी ये एंटीनेटल विजिट है वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं, हर 2 हफ्ते बाद, हर 3 हफ्ते बाद, इस तरह। अगर आप नॉर्मल हो, ठीक है, उसमें आप फिर मंथ, 1 मंथ बाद भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई इशू हो गया है तो फिर आपको हर मतलब 2 हफ्ते बाद जाना पड़ेगा। उसमें आपको क्या होगा, आप चेक करेंगे, यूरिन बीपी वगैरह चेक करेंगे, ठीक है, लेटर विजिट्स में, ठीक है। उसके बाद फील योर एब्डोमेन टू चेक बेबीज पोजीशन, आपकी बेबी की पोजीशन चेक की जाएगी आपका एब्डोमेन चेक करके, ठीक है, फील करके। मेयर द यूट्रस फॉर्म टू चेक योर बर्थ ग्रोथ, लाइक आपका मतलब जो उसका मेयर करेंगे आपका यूट्रस को कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। लिसन टू योर बेबी हार्ट बीट इफ यू वांट देम टू, ठीक है, अगर आपने अलाउ करें कि मतलब बच्चे की हार्ट बीट सुन लें तो वो ये भी सुन लेंगे डॉक्टर साहिबा, ठीक है, लेटर विजिट्स में। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन दैट वरीज यू, आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं जो आपको परेशान कर रहा हो, लाइक ये प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ वेमेंस होती हैं जिनको हमें टेंशन हो रहती है, ठीक है, तो वो हर तरह क्वेश्चन आप कर सकते हो। इट इज नाउ रिकमेंडेड दैट ऑल प्रेगनेंट वेमेन रिसीव अ पर्टूसिस, जिसे हम बोलते हैं वूपिंग कफ, ये काली खांसी, उसकी वैक्सीनेशन भी ले सकती हैं ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर अर्ली एट 28 वीक्स, ठीक है, 28वें हफ्ते पे ले सकती हैं, और ये रिकमेंडेड है, ये लाजमी अब लेनी चाहिए, ठीक है। वैक्सीनेशन किसके अगेंस्ट, पर्टूसिस के अगेंस्ट। उसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी मतलब डॉक्टर साहब पूछ सकती हैं लाइक एंटीनेटल रिजल्ट्स पे कि द डेट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट पीरियड, कि मतलब आपके जो लास्ट पीरियड था उसका फर्स्ट डे की डेट क्या थी, वो किस डेट को होगा। फर्स्ट डे ऑफ पीरियड जो होता है, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, जो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग होता है फर्स्ट डे ऑफ साइकिल होता है, ठीक है। सो वो फर्स्ट डे का पूछेंगे आपसे बारे में, ठीक है, आपकी हेल्थ के बारे में पूछ सकती हैं, एनी प्रीवियस इलनेस और ऑपरेशन वगैरह कोई, अगर लाइक आपका मतलब मिसकैरेज वगैरह हुआ है या कोई प्रेगनेंसी प्रीवियस है उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। एथनिक ओरिजिन ऑफ योर पार्टनर एंड यू, उनका बारे में पूछ सकते हैं, लाइक योर जॉब एंड पार्टनर जॉब, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी जॉब के, आपके पार्टनर की जॉब के, हाउ आर यू फीलिंग एंड आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड, मतलब आप फील कैसे कर रही हैं, आपको टेंशन वगैरह है कि आप डिप्रेस्ड फील कर रही हैं, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकती हैं, ठीक है। या आपसे पूछ सकती हैं कि आप कोई स्मोकर हो या कोई आप ड्रग्स वगैरह ले रही हो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मतलब पूछ सकती हैं डॉक्टर साहिबा। उसके बाद योर ड्यू डेट, आपकी ड्यू डेट कैसे कन्फर्म की जाएगी, ठीक है, आपको जो फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ऐड किया जाएगा किसमें, 40 वीक्स में, ठीक है, 40 वीक्स मतलब 280 डेज में वो ऐड किया जाएगा, तो उसमें आपका क्या होगा, आपकी ड्यू डेट मतलब, जो ड्यू डेट मतलब आपका जब बच्चा मतलब इस दुनिया में आएगा उसकी एक खास दिन मुकर्रर हो जाएंगे कि यार इस दिनों के, इन दिनों के दरमियान, मतलब इन दिनों से इन दिनों के दरमियान आपका बच्चा इस दुनिया में आ सकते हैं, आप बच्चा मतलब पैदा कर पाओगी इन दिनों में, ठीक है। सो योर ड्यू डेट इस तरह कन्फर्म की जाएगी। एंटीनेटल क्लासेस या एंटीनेटल विजिट वही चीजें हैं शुरू में ही, जो मतलब मेनी वेमेन एंड देयर पार्टनर लाइक अटेंड एंटीनेटल क्लासेस टू लर्न मोर अबाउट प्रेगनेंसीज एंड बर्थ, वही चीजें हैं सारी, मतलब वो अपने मतलब प्रेगनेंसी और बर्थ के बारे में मालूम करना चाहेंगे, ठीक है, एंटीनेटल क्लासेस के दौरान, और मतलब मालूम करेंगे फिजियोलॉजी कैसे होती है, नॉर्मल मतलब प्रेगनेंसी, ये वो सारे, ये वही क्वेश्चन जो मतलब शुरू में हमने पढ़े, वही सारी चीजें होती हैं एंटीनेटल क्लासेस में भी, ठीक है। सो दैट्स इट, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज एंजॉय करें, अल्लाह हाफिज़।